तब एक अनापेक्षित जो कठिनाई थी उसके जो मिशन को खड़ा कर दिया उसने एक जगह पे द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधापुरम प्रतिबंधापुरम के जंगलों में जो है टाइगर बाघों की जो जनसंख्या थी ये विलुप्त हो गई हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रकटाइज्ड वर्थ कंट्रोल आर कॉमिटेड हर अ क्री किसको क्या पता था कि जो टाइगर्स uh, हैं क्या उन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया है या uh, वो सुसाइड कर रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं आर सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट ज स्टेट से भाग्य हैं बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शोड बाय द ब्रिटिश हैंड्स ए लोन क्योंकि उनकी इच्छा है कि ब्रिटिश हाथों से ही वो मारे जाए सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए हाउ मैनी टाइगर्स डिड ही किल इन हिज किंगडम ंगडम so इस तरह से आप इसका आंसर जो है राइट कर सकते हैं वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान एक दिन महाराजा ने दीवान को बुला भेजा दीवान साहेब आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट थर्टी टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शोट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइंड क्या आपको इस बात का पता है कि मेरी गन द्वारा जो है अभी तीस और बाघ मारे जाने हैं ही गन उसने अपनी बंदूक को लहराते हुए हवा में पूछा शटरिंग एट द साइट ऑफ द गन गन को देखते हुए दीवान क्राई रोड वो चढ़ाया योर मे आई एम नोट ए टाइगर महाराज मैं बाघ नहीं हूँ विच ए टाइगर कौन ईडिट आपको टाइगर बोल रहा है नो no. एंड आई एम नोट ए गन मैं बंदूक भी नहीं हूं यू आर नाइदर टाइगर नार गन आप ना तो बाघ हैं ना ही गन हैं। दीवान साहब आई समंड होता है कानूनी बुलावा कानूनी रूप से जब किसी को बुला बुलाया जाता है तो राजा ने बुलाया था तो इसलिए यहाँ पे समन लगा है जब जहाँ कोर्ट बुलाता है तो हम समन वर्ड का यूज़ करते हैं समन दीवान साहब सम आई समन यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज दीवान साहब मैंने आपको जहाँ पे एक अलग उद्देश्य के लिए बुलाया है आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड मैंने आ, शादी करने का निर्णय किया है द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर जो दीवान है इसने अब तुतलाना शुरू कर दिया बच्चों की तरह बैबल होता है तुतलाना यूर मजेस्टी आई हैव टू वाइफ ऑलरेडी महाराज मेरी पहले ही दो पत्नियां हैं इफ़ आई मैरिज यू अगर मेरी आपसे शादी हो डोंट टाक नो बकवास मत करो वाई शुड आई मैरिज यू मैं आपसे शादी क्यों करूँगा वट आई वॉन्ट इज ए टाइगर मेरे कहने का मतलब कि मुझे टा, टा, टाइगर चाहिए योर मजेस्टी हाँ महाराज प्लीज थिंक इट ओवर इसके ऊपर सोचिए योर एंसेस्टर्स वर मेरी टू एस वोट आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी तलवार से शादी हुई इफ़ यू लाइक मैरी द गन अगर आपको अच्छा लगे आप गन से शादी कर सकते हैं ए टाइगर किंग इज मोर दैन इनफ फॉर ए स्टेट राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही काफी है इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज इस टाइगर इस किंगडम के अंदर टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है आपके लिए क्वेश्चन है जो है किंग ने मैरिड करने जो है मैरी करने का निर्णय किया और कहा किया द किंग है स्टेट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स उस स्टेट में मैरिड करने की उसने जो निर्णय लिया जिसमें लार्ज नंबर ऑफ लाफ्टर आई आइदर ए टाइगर आर ए गन वट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स मैं नहीं सोच रहा हूँ टाइगर से मैरी करने का या गन से वट ए गर्ल एक लड़की से फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स जो मानव जाति से हो फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स आप पड़ोसी राज्यों की जो है बाघों की जनसंख्या uh, की जानकारी इकट्ठा कीजिए नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन आप uh, उसके बाद ऐसी लड़की ढूंढिए जिसके राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ हूँ वहाँ पर मैं शादी कर सकूँ द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स उसने उसके आदेशों का पालन किया ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच प्रोजेस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स सो किस स्टेट में उसकी शादी हुई जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स थे तो उसने एक राइट right गर्ल का पता किया जिसके अंदर जा, जो है लार्ज नंबर ऑफ बाघ थे टाइगर्स थे। महाराजा जंग जंग ही ही जाता वो या छह बाघ मार देता इन दिस मैनर नाइनटी नाइन एडॉन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधापुरम प्लेस इस तरह से निन्यानवे बाघों की जो खाल है उन्होंने वहां पे जो स्वागत कक्ष था हाल था प्रतिबंधापुरम के महल में उसकी दीवारों को सजा दिया एडोन होता सजाना इन क्वेश्चन uh, है इन विच स्टेट डिट द महाराजा गेट मैरिड तो uh, इसका आंसर आप लिख सकते हैं द महाराजा गोट मैरिड इन द स्टेट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स उस स्टेट में उसकी शादी हुई जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स थे एक और क्वेश्चन है व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल महाराजा को जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स उसको थर्टी बाघ और चाहिए थे uh, उनको जो है uh, प्राप्त करने के लिए uh, वो क्या करेगा वट विल द महाराजा डू क्या करेगा टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स तीस बाघ मर के बच गए थे मारने के लिए तो उनको जो है ढूंढने uh, uh, के लिए वो क्या करेगा सो so आप इसका आंसर लिख, लिख सकते हैं ही विल ट्राई टू

द महाराजा एग्जाइटी हाँ जी बुक का पार्ट फिफ्थ है द महाराजा इन एनजाइटी रीचड ए फेवर पिच महाराजा की जो चिंता थी उच्चतम स्तर पर पहुंच गई फेवर पिच होता है उच्चतम स्तर वेन दे आर मेन जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिस टैली ऑफ हंडर्ड जब एक ही बाघ बच गया था सौ की संख्या पूरा करने में ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम इट नाइट उसका दिन और रात एक ही सपना होता वाई दिस टाइम द टाइगर फार्म हेट रन ड्राई इवन इन दादर इन लास्ट किंगडम इस समय तक जो बाघों के जो फार्म थे वो उसके ससुराल के राज्यों में भी खत्म सूख गए थे मतलब बाघ वहाँ पे विलुप्त हो गए थे इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लुकेट टाइगर्स एनी वेयर टाइगर को लोकेट करना असंभव लग रहा था ओनली वन मोर नीडेड बाघ की आवश्यकता थी इफ ही कुड अगर वो कर किल जस्ट दैट वन सिंगल अगर वो ऐसे जो जंगली जानवर को मार सके द महाराजा वुड हैव नो no फियर्स लेफ्ट कोई भी डर उसका शेष नहीं रह जाना था ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर वो एकदम जो है ऑल टुगेदर होता है एकदम बाघों का शिकार छोड़ सकता था एक क्वेश्चन है आपके लिए वाई डिड द महाराज वाई डिड महाराजा एंगजाइटी रीच ए फेवर पिच जो महाराजा की जो चिंता है ये उच्चतम स्तर पर क्यों पहुंच गई तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं वट ही हैड हाँ तो uh, क्यों पहुंच गई आप लिख सकते हैं बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल हाँ इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड हिम द हंड्रेड टाइगर इसके उसके लिए इम्पॉसिबल था टू फाइंड द इट वॉज इम्पोसिबल फॉर हिम टू फाइंड द हंड्रर्थ टाइगर सो हिस इन एग्जाइटी रिचड ए फेवर पिच उसकी जो चिंता थी उच्चतम स्तर पर पहुंच गई इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं नेक्स्ट रीड करते हैं व्हाट ही द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था इवन आफ्टर टाइगर बाघ मारने के बाद द तो हमारा बी वेयर ऑफ द हंड्रेड उसको सोम्य बाघ से सावधान रहना पड़ेगा ट्रू इनफ ये काफी सच था दाइगर वॉज आफ्टर ऑल जो बाघ है जंगली जानवर है जारी होता सतर्क रहना सावधान रहना हर किसी को इससे सावधान रहने की आवश्यकता होती है बट वेयर वॉज दैट हंडर टाइगर टू बी फाउंड परंतु ये सोमा वाह कहाँ पे पाया जाना था इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर मिल्क दैन ए लाइव टाइगर ये टाइगर का मिल्क प्राप्त करना आसान था एक जीवित टाइगर की अपेक्षा क्वेश्चन है ये हाउ विल महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द हंड्रेड टाइगर विच टू डिसाइड हिज फेल महाराजा जो है अपने आप को सोमे वाक के लिए कैसे तैयार करेगा सो so, अब लिख सकते हैं द महाराजा विल बी वेरी केयरफुल वो बहुत सावधान होगा ही विल टेक केयरफुल एम वो सावधानी से uh, निशाना साधेगा एंड शूट द टाइगर और टाइगर को शूट कर देगा देन ही विल गो अवे फ्रॉम देयर इन कार इस तरह से आप इसका जो है आंसर uh, लिख सकते हैं आप uh, तो नेक्स्ट देखिए महाराजा वा संक इन ए ग्रुप जो महाराजा है ये निराशा में डूब गया था बट सून केम द हैप्पी न्यूज एक आ, जो है आ, अच्छी खबर आई विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम जिसने उस निराशा को बका दिया इन हिज ऑन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर उसके अपने राज्यों में जो भीड़ों को विलुप्त होनी शुरू होगी फ्रिक्वेंटली लगातार फ्रॉम ए हिल साइड विलेज पहाड़ी की तरफ गांव से इट वॉज फर्स्ट एस्टेंड दैट दिस वॉज नोट द वर्क ऑफ खादर मिलान साहेब आर वीर सा, uh, सामी नाइकर बोथ फेम फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेल्यू शीप होल्ड हाँ पहले इस बात का निश्चय किया गया कि ये जो काम है खादर मिलान साहेब जा वीरा सामी नाइकर का नहीं था क्योंकि दोनों प्रसिद्ध थे अपनी योग्यता के लिए भेड़ों को निकलने के लिए श्योरली ए टाइगर बाज एटवर्क निश्चय ही एक बाघ का काम होगा द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा जो विलेजर्स हैं महाराजा को सूचित करने के लिए चले गए द महाराजा अनाउंस्ड ए थ्री ईयर एग्जेपन फ्रॉम ऑल द टैक्सी फॉर दैट विलेज महाराजा ने उस गांव के लिए तीन वर्ष के लिए कर मुक्त कर दिया एंड सेट आउट ऑन द टाइगर हंट एडवंस और एकदम बाघों के शिकार के लिए चल दिए एक क्वेश्चन है आपके लिए व्हाट डिड बिगिन टू डिसअपियर इन हिज ऑन स्टेट तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं द शीप बिगिन टू डिसअपियर इन हिज स्टेट जो शीप हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो गई द शीप बिगिन टू डिसअपियर इन हिज स्टेट इस तरह से आप आंसर बना सकते हैं द टाइगर वॉज नोट इजली फाउंड बाग नहीं पाया गया इट सीम्ड ऐसे लगा एज इफ इट will ऐसे लग रहा था वॉन्टनली होता जान बुझ कर deliberately, जो uh, बाघ है जान कर छुप गया है महाराजा की इच्छा को धराशय करने के लिए फ्लॉट होता धराशय करना द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड महाराजा भी समान रूप से दृढ़ निश्चय था ही refused टू leave द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज found उसने जंगल छोड़ने का निर्णय जो है जंगल छोड़ने का उसने इनकार कर दिया जब तक कि भाग ना पाया जाए एज द डे पास्ट जैसे दिन गुजरे तो महाराजा फ्यूरी एंड ऑफिनेसी माउंटेड अलार्म ली महाराजा का गुस्सा और हट बढ़ती गई मैनी ऑफिसर्स सर्स लोस देयर जॉब्स बहुत सारे अधिकारियों ने अपने जॉब्स खो दी वन डे वेन हिज रेज वॉज इट इट्साइट जब उसका गुस्सा चरम सीमा पर था द महाराजा काल दीवान उसने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टेस्ट फोर्थ विद और एकदम जो है भूमि का कर, दोगुना करने का आदेश दिया सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब uh, करें और हैव ए नाइस डे